एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो हम पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे एंड फिर सॉल्व करेंगे। तो हमें करना क्या है इसके अंदर, हमें तो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर हमें क्या करना है, वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, और वो क्या है, जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। सो देर आर ओनली टू स्टेप्स, फाइंड द जीरोज, वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, फाइंड द जीरोज। सो जीरोज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल दिया है उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। सो हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। सो पुट दिस पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू जीरो। ये हमने किस मेथड से फैक्टराइज किया है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। सो यहाँ पे एक्स एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में कोई भी प्रॉब्लम है, क्लैरिटी और चाहिए या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिकॉज ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। और इस स्टेप के बाद, इस स्टेप में एक तरीका है पता लगाने के लिए कि हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो x माइनस फोर और x माइनस फोर आप देख रहे हो ब्रैकेट में सेम एक्सप्रेशन आ रहा है। तो जब ये सेम एक्सप्रेशन आ जाए दैट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं। सो यहाँ पे आएगा x प्लस टू एक्स माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। नाउ x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो का मतलब हुआ या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ज़ीरो आ रहा है। सो हम लिखेंगे इधर x प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो और x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू फोर। तो हमारे दो ज़ीरोज आ गए, देयरफॉर द ज़ीरोज आर माइनस टू एंड फोर। तो हमारा स्टेप नंबर वन हो गया कंप्लीट, ज़ीरोज हमारे आ गए। अब स्टेप नंबर टू क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। सो अब हम यहाँ पे स्टेप टू करेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब क्योंकि रिलेशनशिप हमें किन दो चीज़ों के बीच में ढूंढनी है, वेरीफाई करनी है, जीरोस के बीच में एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। जीरोस तो ऑलरेडी निकल गए हैं, कोफिशिएंट्स भी निकाल लेते हैं फिर वेरीफिकेशन कर देंगे। तो हम यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखते हैं फिर से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। रिलेशन कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो हम लिखेंगे कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपको कोफिशिएंट्स निकालने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना है। सो अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता तो वो वन होता है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, वन। तो ए इज इक्वल टू वन। अब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस टू। तो बी की वैल्यू आई है माइनस टू। एंड कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, सी, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, माइनस एट। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एट। तो ये हमारे तीन कोफिशिएंट्स आ गए, वन माइनस टू एंड माइनस एट। अब रिलेशनशिप क्या है हमारी, मैं इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। रिलेशनशिप में भी दो चीज़ें हैं, एक है सम ऑफ ज़ीरोज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड दूसरी है, सॉरी, ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज इक्वल टू सी बाय ए। अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है
हम LHS ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS राइट हैंड साइड है, हम ये दिखाएंगे कि LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम है। यहाँ पे भी हम देखेंगे LHS एंड RHS सेम आ रहे हैं। अगर सेम आ गया मीन्स वेरिफिकेशन डन। सो अब यहाँ देखो सम ऑफ जीरोज़ क्या है, जीरोज़ तो -2 एंड 4 थे। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ LHS RHS, तो सम ऑफ जीरोज़ हमारे क्या है -2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 2। RHS क्या है -B/A, सो -B/A विच इज इक्वल टू माइनस तो ये वाला है और बी ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाया क्योंकि बी भी हमारा माइनस साइन है एक। तो अगर आप ब्रैकेट लगाओगे और केयरफुली करोगे तो मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज चांसेस हैं कि आप एक साइन को भूल जाओ। सो ऑलवेज इस माइनस को लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, फिर ब्रैकेट में बी की वैल्यू डालो विच इज़ -2। ए की वैल्यू है 1, सो ये क्या आ गया 2। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आया। सो हम कहेंगे LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अभी हम ऐसे ही यहाँ पे भी करेंगे LHS RHS। अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस क्या है -2 एंड 4, तो हम क्या करेंगे -2 इंटू 4, तो हमारा आ गया -8। राइट हैंड साइड क्या है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आ गया -8। तब आप देख सकते हो फिर से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं सब में आपको यही मेथड फॉलो करना है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चंस को टर्न बाय टर्न सॉल्व करेंगे। आप देखोगे अगर आप ये फिक्स मेथड फॉलो कर रहे हो तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट आएंगे। ऑलराइट, थैंक यू।